अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डीजा टॉक। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की जानिब से लेटेस्ट जॉब अनाउंस कर दी गई हैं। अगर आपकी तालीम प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हायर एजुकेशन तो इसके अंदर रिक्वायर्ड है ही, लेकिन अगर आपकी 4 जमातें हैं, 8 जमातें हैं, तो भी आप जीसी यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन सकते हैं, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अप्लाई का पूरा प्रोसेस बताऊंगी और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी आपके साथ इसी वीडियो के अंदर वन बाय वन डिस्कस करूंगी। ये इनकी कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं आपके सामने, जो आप रीड कर लेंगे तो जॉब के मुतल्लिक डिटेल का इल्म आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पोस्ट नेम इसके अंदर मल्टीपल हैं, जेंडर इसके अंदर बोथ आर एलिजिबल, मर्द हजरात भी अप्लाई कर सकते हैं और ख़वातीन भी, दोनों के लिए इसके अंदर सीट्स हैं। डिपार्टमेंट इसके अंदर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है। फैसलाबाद के अंदर जो जीसी यूनिवर्सिटी की ब्रांचेस हैं उसके अंदर सीट्स अनाउंस की गई हैं। एजुकेशन इसके अंदर प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट से बैचलर तक की, मास्टर्स तक की डिग्री हैं। अगर आपके पास इन 5 में से कोई एक डिग्री भी है तो आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसके अंदर 18 साल से लेके 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। अप्लाई का प्रोसेस बाय कोरियर है, आप इस जॉब के लिए कोरियर करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। डोमिसाइल इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप पंजाब से हैं, आप इस जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सिंध से हैं, कश्मीर से हैं, एक्स फाटा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से हैं, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये आपके साथ इस जॉब का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी जो काम है, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी हुई तो ये परमानेंट कर देंगे। लास्ट डेट इसकी 13 जून 2024 है, उससे पहले आपने इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप रीड कर लें। जब चीज़ों को आप अच्छे से रीड कर लेते हैं तो आपके छोटे छोटे पॉइंट्स इन्हीं को रीड करने से क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, हमारे पास ये सीट्स हैं जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। फर्स्ट नंबर पर हमारे पास जो सीट है जो अनाउंस की गई है, असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोफेसर बीपीएस 16 ग्रेड होगा आपका। आपकी जो उम्र है वो 21 साल से 35 साल तक होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। आपने एमएससी किया है, एमआईटी किया है, एमटीएस किया है, सेकंड डिवीजन भी थी आपकी, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एचईसीडी को ऑर्गेनाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, किसी भी अच्छे तालीमी अदारे से आपकी डिग्री तस्दीक शुदा है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बीएस आपने किया है, कंप्यूटर साइंस किया है, तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका जो है अपनी फील्ड के अंदर होना चाहिए 2 से 3 साल का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सीट है जो इसके अंदर अनाउंस की गई है वो असिस्टेंट की है। बीपीएस 16 ग्रेड होगा आपका। 16वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। 21 साल से लेके 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। 15 सीटें हैं इसके अंदर, हाईली रिकमेंडेड है आप इसके अंदर अप्लाई ज़रूर करें। मास्टर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीएस आपने किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड डिवीजन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एचईसीडी को ऑर्गेनाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हुआ आपकी डिग्री। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। माइक्रो सॉफ्टवेयर ऑफिस के बारे में भी इल्म आपको होना चाहिए। अगली हमारे पास नर्सिंग की सीट है। 16वें ग्रेड के ऑफिसर होंगे आप। 21 साल से लेके 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। बीएस आपने किया है नर्सिंग में, सेकंड डिवीजन थी आपकी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी अच्छे गवर्नमेंट अदारे का, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन असिस्टेंट की सीट है अगली। बीपीएस 14 ग्रेड होगा। 21 साल से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। बैचलर की डिग्री आपने हासिल की हो। लाइब्रेरियन साइंस इक्वलेंट टू रिकॉग्नाइज बाय हायर एजुकेशन कमीशन, आपका जो है वो मेजर सब्जेक्ट लाइब्रेरियन ही होना चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा आपने हायर एजुकेशन की है तो भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इसके अंदर अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो ग्राफिक डिज़ाइनर की है। बीपीएस 14 14वें ग्रेड के आप ऑफिसर होंगे। 21 साल से लेके 35 साल तक आप एलिजिबल हैं। एमए आपने किया है सेकंड डिवीजन के साथ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ। बीएफए किया है तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल का होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। अगर आपने डिप्लोमा किया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अगली सीट है 6 नंबर पे इंस्ट्रूमेंट रिपेयरर की सीट है।
18 साल से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। DEA किया है आपने, DAE 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मेकाट्रॉनिक्स में किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेक्निकल अदारे से आपने ये डिप्लोमा किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो हकूमत से तस्दीकशुदा हो। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी क्लर्क की सीट है, इसके अंदर BPS 11 ग्रेड होगा। 18 साल से लेके 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड जो है वो कंप्यूटर के ऊपर आपकी अच्छी होनी चाहिए। 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है 8 नंबर पर स्टोर कीपर की सीट है। 18 से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। हायर एजुकेशन आपने हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंप्यूटर के ऊपर आपको इंग्लिश के अंदर जो नॉलेज है उसको भी रीड करना आना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कैमरामैन की सीट है, BPS 9 ग्रेड होगा आपका। ये बहुत ही मज़े की सीट होती है, इसके अंदर आपने स्कूल के जितने भी फंक्शंस होते हैं, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटी के, उनकी पिक्चर्स लेनी होती हैं, उनके बारे में जो पोर्टफोलियो तैयार करना होता है, जो एक बुक तैयार करनी होती है उसके मतलब आपने तस्वीरें खींचनी होती है, जो प्रोग्राम होते हैं, जो बच्चों के एक बाल डे होता है, कश्मीर डे होता है, इसके ऊपर जो भी फंक्शंस वगैरह होते हैं उसकी पिक्चर्स आपने क्लिक करनी होती हैं, ये उसकी सीट है। आपके पास सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फोटोग्राफर के अंदर, वीडियोग्राफी के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाईली रिकमेंडेड है, आप इसके ऊपर अप्लाई ज़रूर करें। AC एंड फ्रिज रेफ्रिजरेटर मैकेनिक की सीट है, 9 ग्रेड है होगा आपका। सेकेंडरी स्कूल का आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेकेंड डिवीजन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अपनी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास लाइब्रेरी अटेंडेंट की सीट है, 18 साल से 30 साल तक आप एलिजिबल हैं। सेकेंडरी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो सीट है वो सिक्योरिटी गार्ड की सीट है, 5 ग्रेड होगा आपका। चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना लिखना आता हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। चाको चौबंद लोग हाजिरी लगवाएं उनके लिए सीट है जी, बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। देन हमारे पास सेनेटरी सिक्योरिटी गार्ड फीमेल की है, सिक्योरिटी गार्ड फीमेल, जो फीमेल होती हैं उनके लिए सीट है। सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट हो आपके पास, सेकेंड डिवीजन थी तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाइट आपकी 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। बस ड्राइवर की सीट है, ग्रेड आपका 4 होगा, मिडल आपने पास किया हो और ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास जो वैलिड हो, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। पब्लिक व्हीकल जो है वो आपको ड्राइव करनी आती हो, आपने पहले किसी पब्लिक या प्राइवेट अदारे के अंदर काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ड्राइवर LTV है, 4 ग्रेड होगा आपका। सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आपके पास जो है ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए 5 साल का, 3 साल का भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जूनियर लैब अटेंडेंट की सीट है, 18 से 25 साल तक आप एलिजिबल हैं। सेकेंडरी स्कूल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नायब कासिद 1 ग्रेड होगा आपका, 1 ग्रेड होगा। सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। फिर हमारे पास चाइल्ड बस का है, बस कंडक्टर का है, इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको पढ़ना लिखना आता है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। बहुत सारी सीट्स हैं, 94 सीट्स अनाउंस की गई हैं, हाईली रिकमेंडेड है आप इसके अंदर अप्लाई करें। जो लोग फ्री घूमते हैं उनको एक गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी और उसके साथ बहुत सारे जो है मुलाजमीन जो बनते हैं उनको बहुत सारे मौसूलात भी मिलते हैं इस जॉब के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो चाइल्ड अटेंडेंट, जो बच्चों की देखभाल करती हैं फीमेल्स, उनके लिए सीट्स हैं। आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं भी आता तो अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास सैनिटरी वर्कर की सीट है, मिडल आपने पास किया हो, नहीं भी किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देन हमारे पास माली की सीट है, थोड़ा बहुत आपको पढ़ना आता हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का प्रोसेस इसके अंदर ऑनलाइन है। अब मैं आपको इसकी फीस बता देती हूँ, अप्लाई करने के लिए इसके अंदर फीस भी है।
BPS 6 से लेके जो BPS 16 तक हैं उनकी 1,000 रुपया फ़ीस होगी जो उन्होंने बैंक में जमा करवानी है, या चालान में जमा करवा दें वो आपको बता देंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चेक कर लें। उसके बाद BPS 1 से लेके BPS 5 तक जो अप्लाई करना चाहते हैं उनकी जो फ़ीस होगी वो 500 रुपया होगी। ये आप किसी भी वन लिंक बैंक के अंदर जमा करवा सकते हैं इस जॉब के अंदर अप्लाई करने के लिए। जो डॉक्यूमेंट्स आपने भेजने हैं मैं आपको वो बता देती हूँ, जो आपने तालीम हासिल की है, तो जो आपने तजर्बा हासिल किया है, जो तालीम हासिल की है, जो तजर्बा हासिल किया उसका सर्टिफिकेट होगा, आपकी फ़्रेश पिक्चर्स होंगी, CNIC होगा, और पासपोर्ट साइज़ जो आपकी पिक्चर्स हैं वो होंगी। उसके साथ जो आपने बैंक के अंदर इस जॉब के लिए आपने चालान जमा करवाया है उसका साथ जो स्लिप होगी वो होगी। ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आपने एक एनवलप में डाल देने हैं। एनवलप में डालने के बाद कोने पे आपने लिख देना है कि आप कौन सी जॉब के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ये यहाँ पर इनका ऑफिशियल जो इनका एड्रेस है ये यहाँ पर मैंशन है, कॉलेज रजिस्ट्रार गवर्नमेंट कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। यहाँ पर इन्होंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इनसे कॉल करके पूछ लें कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करवाने हैं। ये डिटेल इनका एड्रेस है यहाँ पर, ये भी आप देख सकते हैं। रिक्रूटमेंट ब्रांच गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन फैसलाबाद, मॉडल टाउन, आदम ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर, बाय कोरियर रजिस्ट्रार, पोस्ट बाय दिस हैंड। ये देखें यहाँ पर भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे से पहले पहले आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवा देने हैं। तमाम तर जो इस जॉब की डिटेल थी वो मैंने आपके साथ डिस्क्राइब कर ली है। मेरा नाम डीजा है, मेरे चैनल पर मैं डेली बेसिस पर गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जॉब अनाउंस करती हूँ। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो आपको IT के फ्री कोर्सेज़ करवाए जाते हैं उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर विज़िट कर सकते हैं। एक SMS के ज़रिए एहसास प्रोग्राम के ज़रिए आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे हर महीने। जो डॉक्यूमेंट्स आपने इनको जमा करवाने हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। ये देखें यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑल ऑफ ऑल देयर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स। ये आपने जो अटेस्टेड करवाने हैं ये किसी भी गवर्नमेंट अदारे के स्टार में ग्रेड के ऑफिसर से आपने अटेस्टेड करवा के इनको जमा करवाने हैं। बैंक के अंदर आपने डिपॉजिट स्लिप जो है वो जमा करवा देनी है, और उस स्लिप का जो वो आपको देंगे वो आपने उसके साथ छोटी स्लिप देंगे आपको, डिपॉजिट जो आप जमा करवाएंगे वो आपने इनके साथ डॉक्यूमेंट्स के भेज देने हैं। ये नॉन रिफंडेबल होगी, ये आपको वापस नहीं की जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस जॉब को आपने अप्लाई किस तरह करना है, गूगल पर जाकर सर्च करना है आपने एक्सपर्ट जॉब 24। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट नंबर पर आपके पास ये आ जाएगी, इनकी जो पोर्टल है फर्स्ट नंबर पर ही है, GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इसको आपने क्लिक कर लेना है और फर्दर जितनी भी इसके अंदर डिटेल्स हैं वो आपने अच्छे से रीड कर लेनी है और फिर इसके अंदर अप्लाई करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।